कोटा के मंडाना सीएससी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात जानवर के काटने से 6 वर्षीय मासूम आरोही प्रजापति को रात करीब 1 बजे अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पर ताला लगा था। वहीं डॉक्टर को मरीज की सूचना दी गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बजाय रात को ड्यूटी डॉक्टर ने फोन पर ही अस्पताल के स्टाफ को बच्चे के इलाज की जानकारी दे दी और वहीं समय पर सही इलाज नहीं मिलने से मासूम की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान हालत गंभीर होने के चलते मासूम को जिले के निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है, तो इलाज न मिलने से मासूम की मौत हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से इलाज ना मिलने की वजह से एक 6 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दृष्टि कल रात की घटना है, मंडाना हॉस्पिटल में एक 6 वर्षीय बालिका को ले जाया गया था, वह उसको किसी जहरीले कीड़े ने काटा था। डॉक्टर को फोन करके स्टाफ ने बुलाया तो डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंची और वहीं से घर से ही उसने उसको इलाज बताया। कुछ देर बाद उसको दवाई देकर रवाना कर दिया गया, उसकी हालत और बिगड़ी, उसको कोटा ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। जी, परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। यदि डॉक्टर समय रहते हॉस्पिटल में आ जाती है, तुरंत उसको वहां से रेफर कोटा कर देती तो हो सकता है उसकी उनकी बेटी की जान बच जाती। जी तेजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ बच्ची के पिता बनवारी लाल जी भी जुड़ गए हैं। बनवारी लाल जी, क्या कुछ हुआ था आपकी बच्ची के साथ? कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने सही समय पर इलाज नहीं किया, इस वजह से आपकी बच्ची ने दम तोड़ दिया है। मैं बच्ची को लेके गया था, या रात को उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी मम्मी ने उठा दिया उसको कि मेरी मम्मी मेरे को किसी कीड़े ने काटा है। जी, उसके बाद में पूछा क्या खाया तो आसपास देखा, कुछ नजर नहीं आया। जी, उसकी दाएं हाथ पे, सीधे हाथ पे कुछ हल्का सा निशान बना जिससे ऐसा लगा किसी मच्छर कीड़े ने किसी ने खाया है, लाल रंग का और हल्का सा, जो मच्छर खा जाते हैं या चींटी खा जाती है तो दाफड़ जैसा हो जाता है, ऐसा हो गया। उसके बाद में उसने एक आध बार उल्टी की तो फिर मैं हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गया उसको। वहां जाके देखा तो हॉस्पिटल पे ताला लगा हुआ था। जी, उस पे ताला लगा हुआ था तो अंदर ही कोई सोया हुआ था, तो 5-6 बार आवाज लगाई, उसके बाद कोई अंदर से आया, ताला खोला और फिर अपनी समस्या मैंने बताई तो एक कंपाउंडर साहब थे कोई, मैं जानता नहीं, तो उन्होंने, मैंने जो समस्या थी बता दी, मैं ऐसे कीड़ा खाया है हाथ पे और ये नाम से उल्टी गई है और एक बार दस्त गई है, 2 बार उल्टी की है, ठीक है। तो उन्होंने तो न तो कोई पेट पे हाथ लगा के देखा, न कोई किसी तरह से फिजिकली उसको, मेरी बच्ची को बिल्कुल भी नहीं देखा है। जी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉल लगा दिया डॉक्टर साहिबा को। जी, उसके बाद डॉक्टर ने वहीं से ही मेडिसिन एडवाइज कर दी। जी, वही गोली दी, गोली देने के बाद मैं वापस में आ गया, पूछा अब क्या है कि सुबह दिखा नहीं रहा, आप एक बार ये गोली ले जाओ। उसके बाद में मेरी बच्ची की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई गोली वाली खाने के बाद में। फिर उसको रात को ही मैं थोड़ा टाइम और थोड़ा निकल गया, उसके बाद में लेके भगा तो मेरी बच्ची फिर नहीं थी कोटा पहुंचने के बाद। बिल्कुल बनवारी लाल जी, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और आपके दुख का अंदाजा भी लगाते हैं। बनवारी लाल जी, क्या आपने इसकी किसी से शिकायत की है? जी, अभी तक मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर्स का क्या कहना है वहाँ पर? डॉक्टर, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर डॉक्टर जो भी थी अगर आ जाती मौके पे, वो सिम्टम्स उसके देख के क्या लक्षण थे, क्यों उल्टी दस्त जा रही है, किस प्रकार की उल्टी कर रही है, किस प्रकार के क्या दस्त थे, तू देख लेती या पूछ लेती, मेरे दिमाग में क्या बात आएगी उस समय, मैं क्या कहूंगा। मेरे जो दिखाओ बता दिया, लेकिन अगर वो पूछती क्यों जा रही है, कैसी उल्टी है, कितनी बार गई, कैसे गई है, तो हो सकता था वो जो निशान था उसको देख करके पहचान लेते डॉक्टर, भगवान समझ के तो गया ना मैं, बिल्कुल, ताकि वो कुछ बता देती, यूं बोल देती भैया किसी कीड़े ने काटा है, जहरीला हो सकता है, तो एक बार आप कोटा दिखा लो, तो
कोटा उसी रात को उसी समय लेकर के रवाना हो जाता तो शायद मेरी बेटी आज मेरे पास होती। बिल्कुल बनवारी लाल जी, शुक्रिया आपका बात रखने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया है।